हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ योर मो ग्राउंड। मो ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मो ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसका रीज़न ये है कि इस राउंड के अंदर आपको पता चल पाता है कि कौन सी कॉलेज है कि जिसके अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। यहाँ पर मैंने चार नंबर ऑफ टॉपिक लिख के रखे, तो ये चारों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहली बात, मो ग्राउंड होगा क्या? तो अभी चल रही है सेकेंड ऑफ में, ठीक है। तो मैं सपोज़ ये वीडियो अपलोड करूँगा थर्ड में या फिर फोर्थ में, जब भी ये वीडियो आए थर्ड में है, ठीक है। आज तो एक दो दिन में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है, लेट मी यूज दिस सेकंड कलर मार्कर ताकि ये आपके लिए अच्छी बात हो। अभी यहाँ पे आपका चल रहा है रजिस्ट्रेशन फेज। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ACPC के मुताबिक ये 2 से लेकर 22 तक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, आपका ACPC का रजिस्ट्रेशन। ACPC का रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा उसके विद इन कपल ऑफ वीक्स, यानी कि 1 वीक का एक्सपेक्टेड टाइम ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरिट रैंक डिक्लेयर। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरिट रैंक। मेरिट रैंक जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका पहला सवाल मिल जाएगा व्हेन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, उसके बाद मेरिट रैंक डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा मॉक राउंड यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा कि मेरिट रैंक डिक्लेयर होने के बाद आपका यहाँ पे मेरिट मॉक राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ, कैसे होगा? एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। यहाँ पे कहीं पर भी आपको फिजिकल फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल जगह पे जाने की जरूरत नहीं, कोई भी लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कहीं पर पूरे इंडिया में से कहीं पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ कहीं घूमने गए, मोस्टली से कि इस टाइम बेस्ट लोकेशन है उत्तराखंड, हरिद्वार, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर भी घूमने गए तो फिर आप कहीं पर भी घर बैठे 24/7 कभी भी भर सकते हैं। बट इसके लिए आपको यहाँ पे एक डेडलाइन है, वो डेडलाइन फॉलो करनी होगी। उसकी जो भी यहाँ पे डेट्स होगी वो आपको यहाँ पे कंपलसरी फॉलो करनी होगी। तो ये आपका हो गया सेकंड, हाउ। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो, कभी कर सकते हो। थर्ड इज द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करें, कब करें, कितनी करें और कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल आंसर है कि देखिए, यहाँ पे मॉक राउंड बहुत ही ईजी रहने वाला है। मॉक राउंड में आपको क्या करना है कि मॉक राउंड आपके लिए ऐसा आप राउंड इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपको पता चल पाए कि आपको कौन सी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिजिबल राउंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे पता चल पाता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अब मैं फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे ही कवर करने वाला हूँ, एंड विच इज़ द गाइडेंस। अब इसके लिए मैं कौन से ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको एक लाइव सिनेरियो देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि ये आपके लिए ईजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पे, आई होप इट्स विजिबल, या इट्स विजिबल, ओके। यहाँ पे मैं मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पे 3000 मेरिट रैंक है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे मेरिट रैंक कौन सा है, 3000। अब 3000 स्टूडेंट्स पर मेरिट रैंक में यहाँ पे उसको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो किस तरह से करेगा, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको कवर करवा दूंगा। अब ये मैं इरेज करता हूँ, तब तक मैं यहाँ पे दूसरी बता दूँ कि ये जो स्टूडेंट्स है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को कौन सी ब्रांच में जाना है, ये स्टूडेंट्स को जाना है यहाँ पे कंप्यूटर, IT, CSE, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच, और उसकी कैटेगरी जनरल है और उसको जाना है कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच के अंदर। तो वो किस तरह से चॉइस फिलिंग करेगा, तो यहाँ पे मैं वो आपको लाइव एग्जांपल समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख लूँ कि क्या कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। मेरिट रैंक वुड बी 3000, उसका मेरिट रैंक है। कैटेगरी उसकी होने वाली है जनरल। उसके बाद उसको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है कंप्यूटर, IT, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो देखिए, इसको अब स्टार्ट कहाँ से करना होगा, इसको स्टार्ट करना होगा 1500 से लेके 5000 के बीच में जितने भी कॉलेज आएगी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1500 से लेके 5000 के अंदर पिछले साल जो भी कॉलेज का कट ऑफ क्लोज हुआ था वो सारी कॉलेज मॉक राउंड में डाल दीजिए, सारी कॉलेज, ट्रस्ट मी। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 1500 और मेरा तो 3000 है, बहुत फ़र्क है, बट भाई मॉक राउंड है, इसमें क्या मतलब चाहिए, आप ऐड कर दीजिए, वो कोई नहीं बोलने वाला है। और ACPC खुद इस तरह से अनाउंसमेंट करता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस अलॉट करनी होगी ताकि आपका एडमिशन अश्योर हो सके, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सके। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस इंक्लूड करनी है, तो आप यहाँ पे कोई भी कॉलेज डाल सकते हो। तो जैसे कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि आपको स्टार्ट कहाँ करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी 1500 to 5000, whether your merit rank is 3000 or not, तो आपको इतना तो यहाँ पे कंपलसरी कवर करना ही होगा। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे सारी की कॉलेज में, जितने भी कॉलेज में ऐड करोगे चॉइस फिलिंग में मॉक राउंड में, उसमें आपका एडमिशन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कोई भी डमी रैंडम लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
3000 पे जनरल में कंप्यूटर के लिए सबसे पहले मैं ऐड करूंगा निर्मा यूनिवर्सिटी। DAISSET भी मैं ऐड कर सकता था बट मुझे पता ही कि उसमें नहीं मिल सकता है क्योंकि DAISSET ओनली डबल डिजिट में ही जाता है, ठीक है, वो 100 से भी ऊपर नहीं जाता है उसकी कुछ ब्रांच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा निर्मा यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं MSU ऐड करूंगा, DDU ऐड करूंगा, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने यहाँ पे चार कॉलेज ऐड कर दिया, फटाफट से मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, आई होप इट इज गोइंग टू बी विजिबल बट नो वरीज, मैं बोलता भी जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा निर्मा यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं ऐड करूंगा DDU, उसके बाद मैं ऐड करूंगा यहाँ पे MSU, उसके बाद मैं फोर्थ नंबर पे ऐड करूंगा यहाँ पे LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये चार कॉलेज मैं ऐड करूंगा। फिफ्थ नंबर पे मैं कौन सी कॉलेज को ऐड करूंगा, लेट्स से दैट आफ्टर DDU आई विल ऐड VGEC, आई विल ऐड GEC गांधीनगर, आई विल ऐड GEC मोड़ासा, GEC पाटन, GEC भुज, ठीक है, एंड GEC राजकोट। तो यहाँ पे मैंने 15 कॉलेज तो ऐसे ही आपको दे दी, 15 नहीं 10, 10 कॉलेज तो मैंने आपको ऐसे ही दे दी। अब इसके बाद मैं कौन सी सारी यूनिवर्सिटी ऐड करूंगा, आई विल ऐड लाइक सिल्वर ओक, आई विल ऐड लाइक LJ, आई विल ऐड लाइक इंडस यूनिवर्सिटी, आदित्य सिल्वर ओक, ठीक है, उसके बाद चारूसत यूनिवर्सिटी, GH पटेल। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटीज क्या दी, सबसे पहले तो मैंने टॉप की 8 ईयर टीयर 1 कॉलेज ऐड कर दी, जैसे कि निर्मा, DDU, MSU, LD, ये सारी टॉप लेवल की कॉलेज ऐड कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया, गवर्नमेंट की अच्छी कॉलेज कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे LD, VGEC, GEC गांधीनगर, GEC मोड़ासा, GEC पालनपुर, GEC पाटन, GEC राजकोट, बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है GEC गांधीनगर। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि चलिए ये सारी टॉप कॉलेज में मिल जाएगा, मैं फीस पे कर लूंगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा गवर्नमेंट के लिए, तो मेरी कितनी सारी फीस पे बच जाएगी। बट फिर भी मुझे नहीं एडमिशन मिल रहा है, तो फिर इन सभी के बाद मैं क्या करूंगा, LJ, इंडस, सिल्वर ओक, चारूसत यूनिवर्सिटी, GH पटेल, ये सारी कॉलेज ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड मुझे जाना है कंप्यूटर में, मेरी ब्रांच कैटेगरी है जनरल, तो मुझे कहीं पर तो एडमिशन लेना होगा ना, तो मैं कोई दूसरी नीचे की लेवल टीयर 3 कॉलेज में जाऊँ, इससे अच्छा मैं कोई भी प्राइवेट में ले लूँ। तो मैं पूरी इस तरह से यहाँ पे मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग कर दूंगा। तो ये था लाइव एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने लाइव एग्जांपल आपको कवर किया। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि आपका जो मेरिट रैंक है, मेक श्योर दैट कि आप वो सारी कॉलेज कवर करें कि जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ उसके अंदर हो। मैं फॉर एन एग्जांपल आपको दे दूं कि आपका मेरिट रैंक है 3000, मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग ने आपने कौन कौन सी कॉलेज ऐड की, DAISSET, निर्मा, MSU, DDU, आपने चार ही ऐड की, ट्रस्ट में आपको एडमिशन मॉक राउंड में ऐसा मिलेगा कि नो एलिजिबल फॉर एनी कॉलेज विच यू मैंशन इन द मॉक राउंड। पता ही है कि आपका मेरिट रैंक यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे DAISSET का कट ऑफ होता है अराउंड 40 या 50 के बीच में, निर्मा का पिछले साल कट ऑफ क्लोज हुआ था 81 पे, MSU, DDU, LD ये सारा 3 डिजिट तक ही जाता है और आपका मेरिट रैंक तो 3000 है। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कीजिए, पिछले साल जितने भी कट ऑफ इसके ऊपर क्लोज हुए, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि 3000 तो 5000 तक जाइए, आपका मेरिट रैंक मान लीजिए कि 6000 तो आप 9000 तक जाइए, आपका मेरिट रैंक 11000 है तो 15000 तक जाइए, वो सारी कॉलेज आप इंक्लूड करोगे, कवर करोगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको मॉक राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा लिख के आएगा कि नो एलिजिबल कॉलेजेस, ठीक है। तो ये पूरा मैंने वीडियो कवर कर लिया मॉक राउंड के ऊपर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अभी भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑलराइट, या थैंक यू।